इस वेले दी वड्डी खबर सामने आ रही है। पंजाबी गायक मनकीरत औलख दे दोस्त दे शोरूम ते फायरिंग हुई है। कैनेडा दे ब्रैम्पटन दे विच शोरूम जिथे फायरिंग हुई, तुसी अक्सर मनकीरत औलख दे गाणियां दे विच इन्हां दा नाम सुनिया होना जिन्हां दे शोरूम ते फायरिंग हुई है। मिलेनियम टायर्स, जी हाँ, मिलेनियम टायर्स वाले बंदे तगड़े, इस तरीके की लाइन मनकीरत औलख ने अपने गाणियां दे विच इन्हां दा जिक्र किया है। मिलेनियम टायर वाले एंडी दुग्गा दे शोरूम ते फायरिंग हुई है। मनकीरत औलख दे दोस्त ने एंडी दुग्गा, तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं, दस दिए कि इस फायरिंग दे पिछे बंबीहा गैंग दा हाथ है। वड्डी खबर है, बंबीहा गैंग दा हाथ दस्या जा रहा है। बाकी मनकीरत औलख नू भी पहला कई बार धमकियां मिल चुकियां ने जानो मारन दियां, ते हुण की एंडी दुग्गा ते भी मनकीरत औलख दे नाल करीबी होण दे कारण फायरिंग हुई है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा। पर इस वेले दी वड्डी खबर है, कैनेडा तो सामने आ रही है, काफ़ी वड्डे बिजनेसमैन ने एंडी दुग्गा, टायर्स दा काम है, ट्रकां दे टायर दा, गड्डियां दे टायर दा काम है, उत्थे काफ़ी तगड़ा काम है, कारोबारी है एंडी दुग्गा, इन्हां दे शोरूम है जिथे फायरिंग हुई है। तो मनकीरत औलख दे खास दोस्त ने एंडी दुग्गा, गाणियां दे विच भी मनकीरत औलख ने कई बार नाम लिया है। तो इस वेले दी वड्डी खबर है, पंजाबी गायक मनकीरत औलख दे दोस्त दे शोरूम दे फायरिंग हुई है। जी हाँ, शोरूम ते फायरिंग हुई है। कैनेडा दे ब्रैम्पटन दे पील एरिया दे विच एक टायर शोरूम है इन्हां दा, एंडी दुग्गा दा, जिथे ताड़ ताड़ करके गोलियां चलियां ने। जानकारी मुताबिक एंडी दुग्गा मिलेनियम टायर्स जिहड़ा सेंटर है उन्हां दा ब्रैम्पटन दे विच, उत्थे गोलियां चलियां ने। तां इस वेले दी वड्डी खबर है, तस्वीरां तुहानूं सांझियां कर रहे हैं। मनकीरत औलख दे नाल बैठा है शख्स एंडी दुग्गा है, जिसका ब्रैम्पटन दे विच बहुत वड्डा नाम है, कबड्डी कप कराउंदे रहिंदे ने, तां करके भी चर्चा का विशा बने रहिंदे ने। तां उत्तरा दे वाले तो खबर आ रही है, पंजाबी गायक मनकीरत औलख दे दोस्त ते शोरूम ते फायरिंग हुई है। कैनेडा दे ब्रैम्पटन तो यह खबर सामने आ रही है। तां कैनेडा दे मीडिया रिपोर्ट्स दे हवाले तो असीं तुहाडे नाल खबर सांझी कर रहे हैं। मिलेनियम टायर्स शोरूम ते गोलियां चलाईयां गईयां ने। इस वेले दी वड्डी खबर सामने आ रही है, पंजाबी गायक मनकीरत औलख दे दोस्त दे शोरूम ते फायरिंग हुई है। कैनेडा दे ब्रैम्पटन दे विच शोरूम जिथे फायरिंग हुई, तुसी अक्सर मनकीरत औलख दे गाणियां दे विच इन्हां दा नाम सुनिया होना जिन्हां दे शोरूम ते फायरिंग हुई है। मिलेनियम टायर्स, जी हाँ, मिलेनियम टायर्स वाले बंदे तगड़े, इस तरीके की लाइन मनकीरत औलख ने अपने गाणियां दे विच इन्हां दा जिक्र किया है। मिलेनियम टायर वाले एंडी दुग्गा दे शोरूम ते फायरिंग हुई है। मनकीरत औलख दे दोस्त ने एंडी दुग्गा, तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं, दस दिए कि इस फायरिंग दे पिछे बंबीहा गैंग दा हाथ है। वड्डी खबर है, बंबीहा गैंग दा हाथ दस्या जा रहा है। बाकी मनकीरत औलख नू भी पहला कई बार धमकियां मिल चुकियां ने जानो मारन दियां, ते हुण की एंडी दुग्गा ते भी मनकीरत औलख दे नाल करीबी होण दे कारण फायरिंग हुई है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा। पर इस वेले दी वड्डी खबर है, कैनेडा तो सामने आ रही है, काफ़ी वड्डे बिजनेसमैन ने एंडी दुग्गा, टायर्स दा काम है, ट्रकां दे टायर दा, गड्डियां दे टायर दा काम है, उत्थे काफ़ी तगड़ा काम है, कारोबारी है एंडी दुग्गा, इन्हां दे शोरूम है जिथे फायरिंग हुई है। तो मनकीरत औलख दे खास दोस्त ने एंडी दुग्गा, गाणियां दे विच भी मनकीरत औलख ने कई बार नाम लिया है। तो इस वेले दी वड्डी खबर है, पंजाबी गायक मनकीरत औलख दे दोस्त दे शोरूम दे फायरिंग हुई है। जी हाँ, शोरूम ते फायरिंग हुई है। कैनेडा दे ब्रैम्पटन दे पील एरिया दे विच एक टायर शोरूम है इन्हां दा, एंडी दुग्गा दा, जिथे ताड़ ताड़ करके गोलियां चलियां ने। जानकारी मुताबिक एंडी दुग्गा मिलेनियम टायर्स जिहड़ा सेंटर है उन्हां दा ब्रैम्पटन दे विच, उत्थे गोलियां चलियां ने। तां इस वेले दी वड्डी खबर है, तस्वीरां तुहानूं सांझियां कर रहे हैं। मनकीरत औलख दे नाल बैठा है शख्स एंडी दुग्गा है, जिसका ब्रैम्पटन दे विच बहुत वड्डा नाम है, कबड्डी कप कराउंदे रहिंदे ने, तां करके भी चर्चा का विशा बने रहिंदे ने। तां उत्तरा दे वाले तो खबर आ रही है, पंजाबी गायक मनकीरत औलख दे दोस्त ते शोरूम ते फायरिंग हुई है। कैनेडा दे ब्रैम्पटन तो यह खबर सामने आ रही है। तां कैनेडा दे मीडिया रिपोर्ट्स दे हवाले तो असीं तुहाडे नाल खबर सांझी कर रहे हैं। मिलेनियम टायर्स शोरूम ते गोलियां चलाईयां गईयां ने।